जिनेवा कन्वेंशन जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू फॉरेन अवार्ड्स को इंडिया में कैसे एनफोर्स किया जाएगा सबसे पहले देखेंगे जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फॉरेन अवार्ड किसको कहते हैं क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए जिससे कि एक अवार्ड फॉरेन अवार्ड कहलाएगा इफ देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मेड आफ्टर ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन ऑन द डिफ्रेंसिस डिस्प्यूट्स बिटवीन परसेंस

आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा हम उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे ऐसा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ट्वेंटी एट जुलाई नाइनटीन ट्वेंटी फोर के बाद हुआ हो ये तो पहली कंडीशन हो गई और जो इनके बीच का कोई जो डिस्प्यूट अराइज़ हो रहा है वह कहाँ से अराइज़ हो रहा है मान लो ये दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ बिजनेस करती हैं इनके बीच का रिलेशनशिप है बिज़नेस रिलेशनशिप कमर्शियल रिलेशनशिप इस कमर्शियल रिलेशनशिप के कारण इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज होता हो उस डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ हो ठीक है डिस्प्यूट अराइज़ आउट ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप एक और कंडीशन है कि यह जो दोनों पर्सनस हैं या पार्टीज हैं यह किसी ऐसे स्टेट के जुरस्डिक्शन के अंडर आने चाहिए जो स्टेट्स सिग्नेटरी हों जिनेवा कन्वेंशन के मान लो जैसे सिग्नेटरी स्टेट्स हैं एक माना आपने यूके दूसरा मान लो आप फ्रांस ठीक है तो ये पार्टीज ये पहली पार्टी मान लो यूके के जूरस में आती हो दूसरी पार्टी जो है यह फ्रांस के जूरिस्ट के अंडर आती हो तो ये एक, एक एक्स्ट्रा कंडीशन हो गई पर्सन से रिलेटेड पार्टी, पार्टी से रिलेटेड ठीक है और इनके बीच में डिस्प्यूट होता है फिर उसके ऊपर आर्बिट्रेशन होगा फिर जो अवार्ड दिया जाएगा वह अवार्ड किसी ऐसे कंट्री में दिया जाना चाहिए वह डिसीजन किसी ऐसे कंट्री में दिया जाना चाहिए जो कंट्री सिग्नेटरी हो जिनेवा कन्वेंशन का और साथ ही साथ वह सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की केंद्र सरकार जो है उसके द्वारा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया हो मान लो पर्सनस की जो रिक्वायरमेंट थी कि वह किसी ऐसे स्टेट के जुडिसडिक्शन में आनी चाहिए जो कि सिग्नेटरी है साथ ही साथ इसमें एक चीज़ मिसिंग रह गई है ये भी रेसी टेरिटरी होनी चाहिए जिस स्टेट के जुडिडिक्शन में पार्टीज आ रही हैं वह सिग्नेटरी भी होना चाहिए रेसीप्रोकेटिंग भी होना चाहिए जैसे कि जिस कंट्री में डिसीजन लिया जा रहा है अवार्ड दिया जा रहा है वह भी सिग्नेटरी होना चाहिए और रेसीप्रोकेटिंग होना चाहिए तो पार्टीज़ तो हो गई जुडिसडिक्शन के सब्जेक्ट में इन इन सिग्नेटरी स्टेट्स के और अवार्ड मान लो एक तीसरा और है सिग्नेटरी स्टेट और रेसिप्रोकेटिंग भी है वह मान लो आप ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो एक पार्टी हो गई यूके की दूसरी पार्टी हो गई आपकी फ्रांस की और डिसीजन जो दिया गया है अवार्ड जो दिया गया है वह दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में ठीक है ये कंडीशन हैं शायद आप समझ गए एक दो बार इसको रिपीट करके देख लेना ये सारी कंडीशन है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए जो डिस्प्यूट जो होना चाहिए वह कमर्शियल रिलेशनशिप के कारण पैदा हुआ हो और पार्टी जो पार्टीज जो हैं पर्सन जो हैं वह किसी ऐसे सिग्नेटरी स्टेट के जुडिडियन के सब्जेक्ट होने चाहिए जिसने कि जिनेवा कन्वेंशन साइन किया हो और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेसिप्रोकेटिंग स्टेट घोषित किया गया हो ठीक है और इस आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है डिसीजन जो है किसी ऐसे कंट्री में दिया जाना चाहिए जो कि जिनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी हो और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया हो तो ऐसा अवार्ड कहलाएगा फॉरन अवार्ड यह अवार्ड भारत की कोर्स द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है किया जाएगा और यह एक डीम किया जाएगा माना जाएगा कोर्ट की डिग्री की तरह ऑर्डर की तरह फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स करने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं एप्लीकेशन के साथ साथ ओरिजिनल अवार्ड या फिर उसकी ऑथेंटिकेटेड कॉपी सबमिट करनी होगी और एविडेंस भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा एविडेंस भी सबमिट करना पड़ेगा जो कि प्रूव करे कि अवार्ड जो है फाइनल है अब उसके खिलाफ कोई अपील नहीं बची या फिर कोई अपील नहीं कर सकता यह फ़ाइनल अवार्ड है और यह भी एविडेंस देना होगा कि यह अवार्ड जो है अर्बिटल ट्राइब्यूनल द्वारा दिया गया हो और जिस कंट्री में दिया गया हो होम कंट्री जो है उसके लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया हो आर्बिटल ट्राइब्यूनल द्वारा आर्बिट्रेशन के थ्रू यह अवार्ड दिया गया है यह भी एविडेंस ठीक है ओरिजिनल अवार्ड देना है ये एविडेंस देना है कि अवार्ड फाइनल है और तीसरा कि होम कंट्रीज़ के रूल्स के, के अकॉर्डिंग आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल द्वारा आर्बिट्रेशन करके यह अवार्ड दिया गया हो ठीक है ये सब चीज़ हाई कोर्ट में सबमिट करनी है कंडीशन क्या क्या है एनफोर्समेंट की पहले तो हमने देखा ही कि ये आर्बिट्रेशन द्वारा आया हुआ हो ये अवार्ड और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल द्वारा दिया गया हो और होम कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया हो और कोर्ट ये भी देखेगी कि सब्जेक्ट मैटर जो है अवार्ड का ये भारत में आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटलमेंट के कैपेबल है या नहीं क्या भारत में ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स को आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल किया जाता है या नहीं उसके बाद ये देखा जाएगा कि अवार्ड फाइनल हो गया है या नहीं उसके खिलाफ कोई अपील वह अपील के लिए ओपन तो नहीं है अपोजिशन के लिए ओपन तो नहीं है वह फाइनल होना चाहिए उसके बाद कोर्ट ये भी दिखेगी कि वह कहीं भारत की पब्लिक पॉलिसी के काउंटर तो नहीं है पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है पब्लिक पॉलिसी में आ जाता है आपका कि कहीं अवार्ड जो है फ्रॉड वगैरह से तो नहीं दिया गया करप्शन वगैरह से तो नहीं दिया गया आर्बिट्रेटर्स को रिश्वत वगैरह तो नहीं दी गई या फिर वह भारत के फंडामेंटल पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है या फिर वह मॉरल्टी और जस्टिस के खिलाफ तो नहीं है ये सब कंडीशंस देख के एनफोर्स करेगी कोर्ट जो है उस अवार्ड को इन कंडीशंस को सेटिस्फाई होने के बावजूद भी एनफोर्समेंट रिफ्यूज़ किया जा सकता है ठीक है ये सारी कंडीशन तो आपने पूरी कर दी ये जितनी भी हैं लेकिन इसके बाद भी कोर्ट्स रिफ्यूज़ कर सकती हैं किस बेसिस पे? कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि अवॉर्ड अनल्ट हो गया है होम कंट्री में मतलब कि रद्द कर दिया गया है होम कंट्री में या फिर अदर पार्टी कैपेसिटी में नहीं थी आर्बिट्रेशन के दौरान या फिर उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया था प्रोसीडिंग्स का या फिर आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का या फिर वह अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया या फिर अवार्ड में डिसीजन जो है उस मैटर पर है जो कि कंटेम्परेटरी नहीं किया गया था जिस चीज़ के बारे में उसने अवार्ड मांगा गया था उस चीज़ के बारे में तो दिया गया नहीं गया किसी और बारे में दिया गया या फिर वह बियॉन्ड स्कोप है, है ट्राइबुलल के स्कोप में नहीं था तो ये सारी कंडीशन जो हैं ये तो सिंपल डोमेस्टिक अवार्ड को सेटसाइड करने की हैं ये एक एक्स्ट्रा है इसमें जो आपको याद रखनी है जिनेवा वाले में कि अवार्ड जो है होम कंट्री में रद्द तो नहीं किया गया अगर दूसरी पार्टी ये प्रूव कर दे कि उसके पास कोई और भी आधार है कोई और भी ग्राउंड है होम कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जिस कंट्री में वह अवार्ड दिया गया है उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग अदर पार्टी के पास कोई ऐसा ग्राउंड है जिससे कि वह अवार्ड की वैलिडिटी को वैधता को कंटेस्ट कर सकता है चुनौती दे सकता है तो अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो फिर वह कोर्ट इस अवार्ड के एनफोर्समेंट को लागू करने को रिफ्यूज़ कर सकती है मना कर सकती है या फिर एडजेंट कर सकती है स्थगित कर सकती है जिससे कि अदर पार्टी को टाइम मिल जाए कि वह अवार्ड को रद्द करा सके एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अगर कोई डाउट होगा तो शायद क्लियर हो जाए जिनेवा कन्वेंशन इसमें फॉरेन अवार्ड किसको कहा गया है इसकी क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अवार्ड की जो कि फॉरेन अवार्ड कला है पहले तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होना चाहिए पार्टीज़ के बीच में पर्सनस के बीच में ट्वेंटी एट जुलाई नाइन्टीन ट्वेंटी फोर के बाद होना चाहिए और यह पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट जो अराइज़ होना चाहिए वह उनके कमर्शियल रिलेशनशिप के कारण होना चाहिए और दोनों पार्टीज़ और पर्सन पार्टीज जो हैं वह ऐसे सिग्नेटरी स्टेट्स के सब्जेक्ट होने चाहिए उनके किसी सिग्नेटरी स्टेट के जुडिशिक्शन के सब्जेक्ट होने चाहिए जिन स्टेट्स ने जिन्हें वह कन्वेंशन साइन किया हो और भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वह स्टेट रेसिप्रोकेटिंग स्टेट घोषित किए गए हों ठीक है और जिस कंट्री में अवार्ड दिया गया है डिसीजन दिया गया वह है भारत, sorry, वह भारत सॉरी वह जिनेवा कन्वेंशन की सिग्नेटरी हो और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेसिप्रोकेटिंग स्टेट डिक्लेयर की गई हो ऐसा अवार्ड कहलाएगा आपका फॉरेन अवार्ड यह अवार्ड भारत की कोर्ट्स द्वारा लागू किया जाएगा एनफोर्स किया जाएगा और उसको कोर्ट की डिग्री की तरह डीम किया जाएगा माना जाएगा एप्लीकेशन एनफोर्समेंट के लिए आपको हाई कोर्ट में देनी है एप्लीकेशन के साथ साथ ओरिजिनल अवार्ड देना है उसकी या फिर उसकी ऑथेंटिक कॉपी और एक एविडेंस देना है यह बताने के लिए कि अवार्ड फाइनल है और एविडेंस देना है कि यह अवॉर्ड जो है आर्बिट्र ट्राइब्यूनल द्वारा आर्बिट्रेशन करके दिया गया और होम कंट्री की लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया कंडीशन क्या क्या हैं इन्फोर्समेंट की कि यह अवार्ड जो है आर्बिट्रेशन के द्वारा दिया गया हो यह आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने दिया हो और होम कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग दिया हो और सब्जेक्ट मैटर जो है इस एवॉर्ड का वह भारत में आर्बिट्रेशन के लायक हो आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटलमेंट के लायक हो और अवार्ड जो है फाइनल होना चाहिए अपील या अपोजिशन के लिए ओपन नहीं होना चाहिए और भारत की पब्लिक पॉलिसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए अगर ये सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाए तब भी एनफोर्समेंट के लिए मना कर सकती है कोर्ट अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि अवार्ड जो है होम कंट्री में रद्द कर दिया गया है या फिर दूसरी पार्टी इनकेपेबल थी या फिर उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया था या फिर वह प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं की गई थी या फिर अवार्ड के अंदर जो डिसीजन है वह ऐसे मैटर पे है जो कि ही नहीं किया गया था जिसको मांगा ही नहीं गया था या फिर वह उसके स्कोप से बाहर था अगर दूसरी पार्टी अदर पार्टी ये अप्रूव कर देती है कि उसके पास अब भी कोई और आधार है कोई और ग्राउंड है होम कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जिस आधार पर वह अवार्ड की वैलिडिटी को उसकी वैधता को चुनौती दे सकता है तो कोर्ट अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो वह अवार्ड को एनफोर्स करने से लागू करने से या तो मना कर देगी या फिर उसको स्थगित कर देगी जिससे कि दूसरी पार्टी को टाइम मिल जाए कि वह अवार्ड को एनल करा सके रद्द करा सके यह था आपका जिनेवा कन्वेंशन आई होप आपके समझ में आ गया होगा एक दो बार रिवीजन कर लेना पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे अगर इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं